Again, welcome to my vlogs, and again I have come to see a new film, and this film. Lots of film are coming on 21st December, like KGF, like Adventure of Jojo. It's a Bengali film, and we are revealing Kedarnath today. So that's all. No. So, like my other vlogging experience, I will give definitely a review after watching the film. So, let's enjoy the film first and I will give you a review. Thank you. Let's give it another So, first time I am going to give you the detailed review of the film Kedarnath in Hindi. Actually, मैंने क्या सोच लिया कि जो बंगाली फिल्म रहेगा वो रिव्यू हम बंगाली में देंगे और जो हिंदी फिल्म रहेगा वो फिल्म का रिव्यू हम हिंदी में देंगे और इफ़ द फिल्म द लैंग्वेज ऑफ द फिल्म इज़ इंग्लिश देन आई विल गिव डेफिनेटली इन इंग्लिश द रिव्यू. सो मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है केदारनाथ बढ़िया है, बढ़िया पिक्चर है, क्योंकि उसका जो VFX क्वालिटी है फिल्म में वो काफ़ी कमाल का है. पहला बात तो ये है जो मतलब हम जो सोचते हैं कि ये फिल्म जिस बजट में की गई है और जिस तरीके का इस फिल्म का आउटपुट है वो काफ़ी बेहतरीन है. अभिषेक कपूर जो इस फिल्म का स्टोरी राइटर कम डायरेक्टर है और इसके साथ सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत का बेहतरीन एक्टिंग है इस फिल्म में. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोनों को और बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है उन्होंने. तो VFX और एक्टिंग बहुत बढ़िया है इस फिल्म का. स्टोरी अगर थोड़ा अच्छा होता कि टिपिकल जो बॉलीवुड फिल्म्स हम लोग देख चुके हैं कि रोमांटिक फिल्म्स जो है उसमें थीम लगाई गई है केदारनाथ का जो नेचुरल जो डिस्ट्रक्शन हुआ था जो हाल फिल्म में वही दिखाया गया है फिल्म में. थोड़ा फिक्शन कहानी है, थोड़ा रोमांटिक फिक्शन है, यही बात है. और क्या बोलेंगे इस फिल्म के बारे में, आप लोग जाके देख के आइए. और काफ़ी पुराना भी हो गया तो अच्छा लगा. फिल्म का जो डायरेक्टोरियल जो एस्पेक्ट्स है वो अच्छा है और कहानी थोड़ा अगर अच्छा होता और भी, लेकिन रोमांटिक कहानी है वो अच्छा है. लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर जो दिखाई गई है फिल्म में वो उसका अगर डिटेलिंग थोड़ा अच्छा रहता तो अच्छा होता. और म्यूज़िक अच्छा है, काफ़ी अच्छा है म्यूज़िक, जो अमित त्रिवेदी शायद म्यूज़िक की मतलब टाइटल जो है अमित त्रिवेदी ने की है, अच्छा है. अल्टीमेटली इस फिल्म को हम 5 में से 3 नंबर दूंगा. दो वजह से हम 5 में 5 नहीं दिया. पहला बात है कि स्टोरी में थोड़ा डिटेलिंग चाहिए था. जो नेचुरल डिज़ास्टर दिखाई गई उसका जो सोर्स और जो रीज़न है वो काफ़ी एक्सप्लोर का डिमांड मांग रहा था लोगों ने. और दूसरी बात यह है इस फिल्म का जो नेचुरल ब्यूटी है वो मेरे को कमाल का लगा है. और VFX अच्छा है बहुत. थोड़ा अगर और भी मेहनत कर लेता तो क्या बोले, थोड़ा इंडियन इमोशन अब समझते हैं, बॉलीवुड इमोशंस. क्या आप लोगों को मेरा जो रिव्यू का तरीका है वो अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए. और मेरा रिव्यू मैं कैसा कर रहा हूँ, ये रिव्यू हम अभी तक हम 2 कर चुके हैं रिव्यू, जो हाल फिल का चैनल है मेरा RGB ब्लॉग्स में. तो आप जाकर वो फिर रिव्यू देख लीजिए और अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू, बाय बाय.